नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्रों का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वे अपने स्कूल कॉलेज में जाकर 18 अगस्त तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा 11th में एडमिशन कराने के लिए। अगर कोई भी बंदा अभी तक अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं चेक कर पाया तो यहाँ पर आपको लिंक भी बता दूंगा, आप लोग उस लिंक की मदद से आसानी से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना होगा, गूगल या फिर क्रोम कोई भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है और जैसे ही गूगल ओपन करेंगे तो आपको सर्च में लिखना है mgbresult.com। क्या लिखना है? mgbresult.com। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर mgbresult.com लिखा है, आप लोग भी यही लिखकर सर्च करिएगा, सभी लोग mgbresult.com लिखकर सर्च करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इसका डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं। तो आप लोग mgbresult.com जैसे लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। ठीक है, और इस पेज में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोगों को फ्री में क्लास करना है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को। ठीक है, बढ़िया है कि आप जो ये फर्स्ट वाला टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे आपको मिलेगा बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 2022। ठीक है, तो इसी पर आप एक बार क्लिक करिएगा तो नीचे आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइए, पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नामांकन के लिए तिथि क्या है, तो 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप अपना एडमिशन स्कूल या कॉलेज में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटर में नामांकन के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला लगेगा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, दूसरा का अंग प्रमाण पत्र जो आपका मार्कशीट मिलेगा, और तीसरा है प्रोविजनल प्रमाण पत्र, और चौथा है जाति प्रमाण पत्र। जाति तो सब कोई बनवा ही लिया होगा, और आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, और बैंक पासबुक की छाया प्रति यानी कि बैंक खाता का जीरोक्स लगेगा, और रंगीन पांच फोटो आप सभी से मांगा जाएगा। तो ये सात डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो FFS डायरेक्ट लिंक की मदद से भी चेक कर सकते हैं, और ये आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नाम है, सॉरी लिंक है। तो आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे फटाक से लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जो एडमिशन कराए तो उस समय एक स्लिप मिला होगा, और उसी स्लिप में यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपका तस्वीर होगा, और तस्वीर के जस्ट ऊपर 22J से शुरुआत होगा बार कोड नंबर, तो वही बार कोड नंबर 11 अंक का होगा, यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। और एडमिशन कराते समय जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे OTP के लिए तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, और नीचे कैप्चा कोड भर कर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी बच्चे का याद नहीं है बार कोड नंबर, नहीं तो मैं खुद मतलब कि डाउनलोड करके दिखा देता। ठीक है, तो हो सकता है तो मैं डाउनलोड करके भी दिखा दे सकता हूँ। देखिए एक याद आ रहा है, ठीक है, 22J 72 97 746। अब यहाँ पर जे को अभी छूट गया, जे यहाँ पर डाल देते। ठीक है, और मोबाइल नंबर आया 8808957675, हो गया। अब यहाँ पर कैप्चा कोड 39 80 28 है, 39 80 28 39 80, और यहाँ पर 2828। अब प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे शो कर दिया होगा 100%। देखिए यहाँ पर नाम आ गया, जिस बंदे का होगा वो उसका नाम आ गया, अंकुश कुमार मेरा छोटा भाई का है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस कॉलेज में है, और स्ट्रीम क्या आपका साइंस, अगर कॉमर्स होता कॉमर्स दिखाता, आर्ट्स होता तो आर्ट्स दिखाता, तो यहाँ पर आपका क्या है साइंस है तो साइंस स्ट्रीम दिखा है, कॉलेज क्या है तो DAV कॉलेज सिवान है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है,